यही ये कारण रहा कि भाई अगर मैंने शूज़ पहने तो मेरे चोट नहीं लगती और मैं बच जाता काफ़ी हद तक। अगर जल्दी ठीक हुआ तो मैं ज़रूर मैं आपको रोड पे मिलूंगा और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। अब मैं आपको पैर दिखा दूँ। कैसे हो भाई? हो आज हमारे के एम्स के ट्रॉमा सेंटर, बस कुछ दुखद घटना हो गई है। What's up guys? So how are you all? I hope you all are good, but I'm not good क्योंकि हमारे पैर में लग चुकी है चोट। वो कि भाई संडे को लगी थी मेरी ब्रेक जो थी वो पैर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये वीडियो देखोगे तो भाई उससे पहले आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि भाई ऐसी बहुत सी वीडियो आने वाली है। गिरने वाली नहीं भाई, इसके बारे में बताओ कि कैसे आप बच सकते हो गिरने से। मतलब ये है कि आप प्रोटेक्शन क्या क्या यूज़ कर सकते हो अपनी, मतलब जैसे अब गियर्स वगैरह जैसे होते हैं राइड के टाइम, आप नॉर्मल जब राइड करते हो, स्टंट राइडिंग करते हो, तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, वो सब सारी वीडियोस आएंगी संडे को। और भाई तो उस फटाफट से आगे सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। और भाई मेलविन भाई को थैंक यू भाई, रात में आ गए वो उसके उस रात के लिए। आप वीडियो अभी देखोगे, अभी तो स्टार्टिंग का था ये, ठीक है। तो पहले आप वीडियो देखो, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। कैसे हो भाई? हो आज हमारे के एम्स के ट्रॉमा सेंटर, बस कुछ दुखद घटना हो गई है। अब आप तो देख, आपको तो पता ही किसका चैनल है और मैं कौन, मेलिन भाई निंजा के साथ जो हमेशा रहता है। और ये देखो अपने भाई पैर तुड़वा के बैठे हैं पैर में। अब मैं आपको पैर दिखा दूँ। कहाँ है? इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है, रोटेट ये यहाँ से टूट गया है। अब प्लास्टर होगा अंदर प्लास्टर रूम में। हाँ यहाँ से जहाँ से मेलविन दिखा रहा था ये यहाँ से टूट गया। आपको लग नहीं रहा ये चोट लग गई मेरे, बहुत दर्द है। अब जाएंगे हाँ, तो कम लगी होगी, ज़्यादा लग गई है वो तो बहुत गर्म लग रहा है। पीओपी है, पीओपी गर्म हो गया, जम रही है पीओपी। अच्छा तो गर्म हो गया तो बंद तो एडिट कर। गर्म लग रहा है मेरे को भी। ठीक है मेलविन भाई रात में आ गए मेरे पास क्या कर सकते हैं यार, ये थोड़ा जूते पहन के चला रहा तो इतना वो नहीं होता, बच जाता मैं, बट कोई नहीं, बहुत गर्म गर्म लग रहा है। नहीं दर्द नहीं है, दर्द तो वही सेंटर में है, दर्द किसी में नहीं है, दर्द नहीं है। ओ तेरे से क्यों उंगली को चटका रहा है? मतलब मैंने तेरे को मेरी कसम है उंगली चटका रहा है यार मेरे को वैसे ही दर्द होता है यार उंगली चटका रहा। और तो भाई अभी घर पे चल के बात करेंगे आराम से, है ना? उसके बाद हो गया ये ठीक। हाँ अब इस पे चित्रकारी करेगा, इस पे साइन वाइन करवाएंगे चलो। सर ठीक है गाइस, आपने वीडियो देखी, आपने देखा भाई कैसे चोट लग गई थी। ये बाइसेप पर सिर्फ चप्पल का नतीजा है कि चप्पल पहन के मैंने चलाई गाड़ी तो इसलिए मेरे लग गई चोट, ठीक है। क्योंकि स्लीपर की जो स्ट्राइप थी, जो स्ट्राइप जो पट्टी होती है, जो ऐसे दो कलर की वी शेप की ऐसी पट्टी होती है, तो उससे वो मेरा पैर अटक गया उसके अंदर और मैं कूद ही गया था। मेरा ऑलमोस्ट कहीं नहीं लगी, बस वही फ्रैक्चर आया और छोटी सी स्क्रैचेज आए घुटने पे नी पे। तो यही ये कारण रहा कि भाई अगर मैंने शूज़ पहने तो मेरे चोट नहीं लगती और मैं बच जाता काफ़ी हद तक। तो गाय जो भी मेरे को देख रहे हैं भाई स्टंट राइडिंग करते, जो भी नॉर्मल राइड, तो हमेशा शूज़ पहन के चलाओ, ठीक है ना। और तो और भाई सेफ राइड करो। सो गाइस हाँ, आप नहीं मतलब आप शूज़ पहन के राइड कर सकते हो, वो बेस्ट ऑप्शन रहता है मेरे हिसाब से। और भाई सारे भाइयों को मेरे को थैंक यू भाई, जो जो भी जिन जिन को मैंने रात में कॉल करा था,
वो सारे भाई आने के लिए रेडी थे, बट कुछ कुछ ऐसा रहता किसी के भाई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं घर पे कि इस टाइम तक नहीं निकलना बाहर, लेकिन फिर भी भाई भाई ने इतने सब ने एफर्ट्स डाले भाई, सब आने की कोशिश करी। केडी भाई भी आया, गौरव भाई ने भी कॉल करा, मोंटी भाई ने को भी मैंने सबसे पहले कॉल करा था, फिर मेलविन आ गया। तो मेलविन गेम खेल रहा था उस टाइम, इसलिए भाई उसके पास टाइम मिल गया था आने का, तो थैंक्स टू मेलविन। और मेलविन ने ही ये ब्लॉग देखा, आपने मेलविन ने ही ब्लॉग स्टार्ट करा था। मैंने कहा भाई एक मिनट से हो नहीं सकता, मेरे फ़ोन में बैटरी भी कम थी। तो ये संडे की रात को हुआ था और आज फ्राइडे है और आज ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। आज फ्राइडे के दिन ही मैंने अपना शूट करके सीधा मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि भाई आज ही मैं रेस्ट कर रहा। आज सुबह ही मतलब ये कि आज थोड़ा सा मेरे को रिलीफ मिला पैर पे, क्योंकि ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं। जो देखो कितनी ज़्यादा मूवमेंट है पैर पे, शू 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 शू, वाह मेरी चिड़िया। ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है। और मेरी चोट जो लगी थी वो ठीक यहाँ पे इस साइड में लगी थी चोट, ठीक है। और मैं खूब इंजॉय कर रहा हूँ, देख सकते हो स्टंट राइडिंग। घर बैठ के भी मैं ऐसे ऐसे शॉट्स देख रहा हूँ कि भाई मैं अब जैसे ही ठीक होऊंगा तो मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। देख सकते हो यार ये सारे बाइकर जितने भी है मोस्टली सब, कोई स्लीपर्स में नहीं है, सब शूज़। और भले इन्होंने जैकेट गियर्स वगैरह नहीं पहने हैं, लेकिन इन्होंने स्टिल हेलमेट और शूज़ ज़रूर पहने हैं और ग्लव्स भी पहने हैं, जिससे थोड़ा प्रोफेशनल लुक आता है, ठीक है ना। और ये सही चीज़ है भाई कि ऐसे पहन के चलाओ भाई, अगर गिरते भी हो क्रैश भी होता है तो आपके शूज़ से काफ़ी हद तक आपके एंकल और नी बच जाते हैं, ठीक है। और हेलमेट तो है ही मैंडेटरी भाई, हेलमेट तो हमेशा पहनो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ अच्छा हेलमेट आप पहनो, ठीक है ना। कम से कम अच्छे ब्रांड का पहनो हेलमेट, AGV MT, ठीक है ना। मैंने इसलिए मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि भाई आप कौन सा हेलमेट यूज़ करते हो सस्ते ब्रांडेड। जो एक एस्पीडा का हेलमेट था जो पुराने वाले ब्लॉग में मैंने बताया था, वो भी बहुत सही हेलमेट था, 4500 रुपये का हेलमेट था, 4500 समथिंग का हेलमेट था वो, ठीक है ना, और बहुत सही हेलमेट था। सो गाइस आप यूज़ कर सकते हो वो सब चीज़ें, ठीक है। और क्या ही बताऊँ, संडे को भी ब्लॉग, संडे भी ब्लॉग आएगा और इसके एक दो शॉर्ट्स मतलब एक दो ब्लॉग्स आएंगे, मैं बाइक के रिगार्डिंग बातें करूँगा। और देखो अगर जल्दी ठीक हुआ तो मैं ज़रूर मैं आपको रोड पे मिलूँगा, और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। और भाई ये लाइफ का फेज़ होता है, जैसे मेरी गाड़ी चोरी थी उसके बाद अब ये हुआ, तो अप्स एंड डाउन लाइफ में चलते ही है। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिविटी फैलाते रहो दोस्तों यारों अपनी फैमिली के बीच में कभी। सो गाइस अभी मैं अंदर आ गया हूँ क्योंकि भाई थोड़ा खाना आना था, उस टाइम खाना आना ने खा लिया है। अब खाना ना खा के भाई अब थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा। एडिटिंग में भाई बहुत टाइम लगता है, कम से कम पहले जो मेरे को 2-3 घंटे लगते थे अब मेरे को लग रहे हैं अराउंड 4-5 घंटे आराम से भाई। तो मैं थोड़ा रुक रुक के गैप में करता हूँ एडिटिंग वगैरह। तो बाकी तो थोड़ा सा देर में अभी मेलविन भी आने वाला है, तो मेलविन भी मेरी काफ़ी हद तक हेल्प कर देता है एडिटिंग वगैरह में, एडिटिंग वगैरह उसे कर रहा है आजकल। और एडिटिंग से बात करूँ तो भाई आजकल उसको अपना चैनल भी चला रहा है और इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी पोस्ट डाल रहा है रिगार्डिंग पबजी। पबजी में भाई बहुत सही खेलता है, तो उसको जाके भाई देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो उसको भाई, जो जो पबजी लवर हैं सब भाई उसको देखो, सीरियसली बहुत सही गेम खेलता है। 20-25 किल करता है वो, 20-25 किल करता है। मैं नहीं खेलता पबजी, खेलना स्टार्ट करूँगा मैं भी अब घर पे बैठा हूँ तो। सो गाइस वही टाइम बहुत टाइम लगता है और भाई काफ़ी मतलब ये कि लंबा समय लगता है और मेरे तो काफ़ी दर्द भी हो रहा है यार। और तो मेलविन की बात करी जाए तो मेलविन भाई बड़ा सही बंदा है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सबको ऐसे कर रहा हूँ कि भाई ऐसे आ रहा है। तो मेलविन भाई सबने ही मतलब जिन जिन को मैंने कॉल करा था तो वो सभी आ गए थे ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और तो और भाई ऐसा नहीं मैं यार किसी से मेलविन को ही जो मैं बता रहा था ये बात की प्रमोट कर रहा हूँ भाई, जितने भी मेरे पुराने ब्लॉग्स आप उठा के देखो, जो भी मेरी वीडियो में आता मैं वो सबको ही प्रमोट करता हूँ, प्रमोट के आगे मतलब आप सब तक सबको एक्सप्लोर करता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे साथ के बंदे हैं उनको जाके हेल्प करो, ठीक है। तो बाहर भाई खाना ना हो गया था इसलिए मैं थोड़ा अंदर आके रेस्ट वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी टांग वांग लंबी कर रहा था। तो अभी मेलविन आ रहा है, हो सकता है मेलविन नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, और शैगी भी आ सकता है शायद से, ठीक है ना, क्योंकि शैगी भी आ जाता है शाम को एक बार मिलने में से। तो बस वही है, तो ठीक है, देखो लव यू। सो गाइस ये लाइफ का फेज़ होता है, जैसे मेरे पैर में पहले गाड़ी चोरी थी अब पैर में चोट लग गई है, तो भाई अप्स एंड डाउन लाइफ में होता है, हमेशा स्टे पॉजिटिव रहो, ठीक है ना। यही मेरा कहने मतलब है इस वीडियो में, सबसे ज़्यादा मैंने बताया पॉजिटिविटी रहोगे तभी जब आपका माइंड सेट रहेगा, हमेशा माइंड को सेट रखो। कभी भी भाई लाइफ में जब बुरे वक्त आए तो अच्छा वक्त भी आएगा। तो ठीक है गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी और स्टे बी पॉजिटिव हमेशा, ठीक है। ठीक है, जो भी मेरे को लेंथ तक देख रहा है और अगर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं कि आप कैसे कैसे अपने गियर्स पहन सकते हो, कौन कौन से गियर्स सस्ते हैं, कौन कौन से गियर्स हेवी हैं, तो उसके बारे में सारी बातें करूँगा। तो ठीक है गाइस, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।